सो हेलो गाइस, तो गाइस बात करने वाले आपके न्यू कस्टम कार्ड्स के बारे में। और भाई यहाँ पे चार कस्टम कार्ड निकल के आ रहे, तो चारों आपको दिखा दूंगा और गाइस इसके क्या यूज रहेंगे ये भी आपको बता दूंगा। तो भाई वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो गाइस OB27 अपडेट के बाद यहाँ पे चार कस्टम हमारे गेम में ऐड हो जाएंगे। तो भाई ये चार आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब एक तो पहले से ही था लेकिन भाई यहाँ पे तीन कस्टम और ऐड हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रेड वाले का यूज़ पता चल गया कि आपको क्या यूज़ होगा इसमें। और भाई यहाँ पे जो दो कस्टम पीले पीले हैं, जहाँ पे मतलब एक वो बना है वॉल पर वो वाला, दूसरा वो पता नहीं चला इसका यूज़। तो गाइस यहाँ पे ये चार कस्टम मतलब तीन कस्टम ऐड हो जाएंगे गेम में। और भाई यहाँ पे इसके यूज़ क्या होने वाले हैं। सो गाइस रेड वाले कस्टम का तो यूज़ पता चल गया, लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ। कस्टम जब आप बनाते हो तो वहाँ पे भी एक अपडेट किया गया, जैसे कि आपको कोई गन नहीं चाहिए या गन की आप कॉस्ट मतलब कम करना चाहते हो, जैसे MP5 आपकी है 1300 रुपये की और भाई उसकी कॉस्ट कम करना चाहते हो, तो वो भी एडवांस सेटिंग गेम में आ जाएगी मतलब OB27 अपडेट के बाद। और भाई यहाँ पे अगर आपको कस्टम में डबल वेक्टर नहीं चाहिए तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो, मतलब अपने अपने हिसाब से आप कस्टम पूरा चला सकते हो। तो भाई कैसे होगा वो भी चलो आपको दिखा देता हूँ। OB27 अपडेट के बाद वो हो जाएगा, एडवांस सेटिंग आ जाएगी आपकी। सो गाइस चलो उसको मैं अब आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होने वाला है वो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे भी हम कस्टम बनाने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे सामने एक एडवांस सेटिंग वाला यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो गया। और भाई यहाँ पे ये केवल आपका क्लैश स्क्वाड के लिए हुआ है, ये नहीं कि आप सोलो भी खेल लो उसमें या डुओ भी कर लो, तो भाई यहाँ पे क्लैश स्क्वाड के लिए हुआ है। सो गाइस अभी आपको दिखा देता हूँ आगे कि कैसे आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो, मतलब खुद का कस्टम बनाओ, खुद के हिसाब से कस्टम चलाओ पूरा, मतलब आप MP5 का मतलब वो कर सकते हो, 500 रुपये की कर सकते हो या 200 रुपये की, आपके ऊपर रहेगा। सो गाइस यहाँ पे आपको जो गन नहीं चाहिए होगी वो भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे भी एडवांस सेटिंग में हम जाएंगे, लेकिन भाई सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि ये केवल CS मोड के लिए अवेलेबल है। तो भाई यहाँ पे भी ये मतलब आगे जब अपडेट आएंगे तो शायद यहाँ पे मतलब सारे मोड्स के लिए हो जाए, लेकिन भाई अभी तो क्लियर मतलब क्लैश स्क्वाड में यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा रखा गया। सो गाइस चलो क्लैश स्क्वाड में आते हैं। और भाई यहाँ पे देख सकते हो मतलब सारी सेटिंग्स ओपन हो गई। और भाई यहाँ पे आप सारे रेट भी घटा सकते हो गन के, और भाई जो आपको गन नहीं चाहिए उस पर आपको सिंपली अनटिक कर देना और उसके बाद कन्फर्म कर देना। जो गाइस देख सकते हो काफ़ी ओपी यहाँ पे स्टेटस रखा गया, जिसको मतलब आप यहाँ पे इसको मतलब जो रेड वाला कस्टम है इसका भी अभी यूज़ बताऊंगा, लेकिन भाई सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेटस देख लो। तो भाई यहाँ पे जो आप गन चाहते हो मतलब कस्टम में तो वो हो सकती है, यहाँ पे मतलब कई सारी गन्स होती है मतलब कस्टम में नहीं अवेलेबल होती है, तो भाई यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हो। और भाई यहाँ पे कुछ रखा गया ताइवान या किसी चाइनीज लैंग्वेज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे आप राउंड भी कर दिए गए 15, अगर आप राउंड खेलना चाहो तो 15 राउंड खेल सकते हो, 13 के बाद 15 राउंड भी कर सकते हो। सो गाइस बहुत ओपी अपडेट ला रहे गरीना वाले। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मतलब जो आपको गन ऐड मतलब ME2B भी आप ले सकते हो, जो अपने हिसाब से कस्टम पूरा बना सकते हो। तो भाई कैसा लगा ये वाला अपडेट मेरे को कमेंट में बता देना। और भाई यहाँ पे ये वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी कुछ अदर लैंग्वेज है तो यार इसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो भाई देख सकते हो काफ़ी ओपी यहाँ पे स्टेटस रखा गया, मतलब अपने हिसाब से आप लोग गन चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसका रेट मतलब फिक्स कर सकते हो। और भाई जो गन आपको नहीं चाहिए उस पर सिंपली अनटिक करके आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना रहेगा। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटस रखा गया आपके एडवांस सेटिंग का, और भाई यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा हमारे OB27 अपडेट में। तो गाइस यहाँ पे आपको कैसा लगा ये अपडेट, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब आप जो गन आपकी फेवरेट है वो भी ले सकते हो। कई सारे बंदों की ME2 भी फेवरेट होगी, लेकिन यार वो वहाँ पे नहीं रहती है कस्टम में, तो भाई यहाँ पे आप लोग वो भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मतलब जो भी आपको चाहिए गेम में, आप डबल वेक्टर हटाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब डबल वेक्टर पे आपको मतलब वेक्टर पे आपको सिंपली अनटिक करना रहेगा और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना रहेगा। और भाई मशरूम का लेवल भी यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कॉस्ट भी आप बढ़ा सकते हो गन की। और भाई कैटलिंग गन भी यहाँ पे हो गई है अवेलेबल, तो भाई बहुत ओपी यहाँ पे रखा गया स्टेटस फूड पैकर, जो भी आप चाहो ले सकते हो। सो गाइस बहुत ओपी यहाँ पे रखा गया फ्लेम थ्रोअर भी गन यहाँ पे रखी गई है, मतलब हद मचा दी है गन्ना वाले। सो गाइस बहुत ओपी अपडेट मेरे को ये लगा। और गाइस यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं हमारे रेड कस्टम के बारे में कि इसका क्या यूज होने वाला है। सो गाइस इसका बताया जा रहा अभी कि यहाँ पे ड्रोन व्यू वाला हम लोग को सीन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको पता होगा टूर्नामेंट जब होते हैं फ्री फायर के, तो गाइस उसमें आपको दिखाया जाता है कि ऊपर से पूरी टीम को दिखाया जाएगा। और भाई यहाँ पे बंदे भी आप ऊपर से देख सकते हो, मतलब जैसे कि आप ड्रोन व्यू से देख सकते हो एरोप्लेन, मतलब ऊपर से देखने का कुछ मजा ही और होता है। तो भाई यहाँ पे इसी का होगा यूज, मतलब आप इस कस्टम को बना के आप मतलब 1v1 करोगे तो यहाँ पे ड्रोन वाला बना सकते हो, और भाई जो ऑब्जर्व में रहेगा वो आपका मतलब पूरा कस्टम देख सकेगा ऊपर से और भाई रिकॉर्ड भी कर सकेगा। सो गाइस बहुत ओपी रखा जाएगा, मतलब यार रियल थोड़ा लगेगा। और भाई बहुत ओपी अपडेट मेरे को ये भी लगा, मतलब चार कस्टम निकल के आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे एक कस्टम का तो पता चल गया कि क्या रहने वाला है, और भाई यहाँ पे दो कस्टम का भी नहीं पता चला है। तो भाई यहाँ पे रेड वाले का कुछ ऐसा ही स्टेटस रखा जाएगा, जो कि मतलब कंफर्म लिख कोई आएगी तो वो भी बता दूंगा, लेकिन भाई कंफर्म आपकी यही है। और भाई दो जो बाकी के कस्टम है ये भी आपको इन फ्यूचर में बता दूंगा, तो भाई उसके लिए भी चैनल पे बने रहना। सो गाइस यही थे कुछ अपडेट और भाई यही थी वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।